हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैंग गंगवार। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 20 फीट बाय 20 फीट का हाउस प्लान जिसका एरिया 400 स्क्वायर फीट है। फ्रेंड्स, इसका डिटेल पीडीएफ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलती रहेगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये प्लॉट जो है वो तीन साइड से कवर्ड है, तो साइड वॉल पर कोई भी विंडो नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फ्रंट में जो है रोड के सामने इसकी ओपनिंग है, और मेन एंट्रेंस जो है वो 4 फीट वाइड है। मेन एंट्रेंस इसका 4 फीट। ओके, फिर एंट्री लेते ही आपको लिविंग रूम मिल जाता है, लिविंग एरिया मिल जाता है। इसका जो डायमेंशन है वो है 9 फीट 10 इंच बाय 8 फीट एंड 9 इंचेस, क्योंकि 20 बाय 20 जो है बहुत ज़्यादा छोटा एक साइज़ का प्लॉट है, तो इसमें सभी चीज़ें प्रोवाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार, तो उसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर आपको स्टेयरकेस मिलती है। आप यहाँ पर एरो देख सकते हैं ऊपर जाने का डायरेक्शन क्या है। जो हर एक स्टेप की विथ है वो 2 फीट एंड 9 इंचेस है, और जो ट्रेड साइज़ है वो 9 इंचेस का है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि स्टोर रूम हमने प्रोवाइड किया है, स्टोर रूम। ओके, इसकी जो वॉल है स्टोर रूम की वो यहाँ पे है, इसमें ब्लू कलर करना रह गया है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। स्टोर रूम का जो डायमेंशन है वो 3 फीट 10 इंचेस बाय 5 फीट एंड 5 इंचेस का है। ओके, और इसके बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कर्टेन सिस्टम मिल जाता है, और सामने की तरफ आपको किचन या डाइनिंग एरिया कंबाइंड मिल जाता है। तो जो किचन और इस पूरे एरिया का डायमेंशन है वो 9 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 10 फीट एंड 5 इंचेस। ओके, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको एक बेडरूम मिल जाता है, तो इसका डायमेंशन है 9 फीट 7 इंचेस बाय 9 फीट एंड 9 इंचेस। फ्रेंड्स, इसके जो बेडरूम है इसके साथ एक वॉशरूम अटैच्ड है, बाथरूम प्लस वॉशरूम, तो इसका जो डायमेंशन है वो 6 फीट बाय 3 फीट एंड 4 इंचेस। और क्योंकि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे कोई भी साइड वॉल पे हम विंडो नहीं दे सकते, ये जो प्लॉट है वो तीन साइड से कवर्ड है, तो यहाँ पे हमने एक ओटीएस भी दे दिया है, जिससे जो है किचन भी ओटीएस से कनेक्ट रहेगी, वॉशरूम भी और साथ में बेडरूम भी। तो जो इस ओटीएस का डायमेंशन है वो 2 फीट 11 इंचेस बाय 3 फीट एंड 4 इंचेस। और फ्रेंड्स, एंड में इसकी मैं आपको वॉल बता देता हूँ, जो वॉल है सभी वो 5 इंचेस वाइड है क्लियर कवर लगा के। इसका अगर आपको और ज़्यादा डिटेल पीडीएफ चाहिए जिसमें विंडोज़ और डोर के डायमेंशन भी प्रॉपर लिखे हों, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको कोई और भी पीडीएफ डाउनलोड करना होता है तो वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।